नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी आलू। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि मैं ये व्रत में खाने के लिए तंदूरी आलू बना रही हूँ। आमतौर पर आप जो तंदूरी आलू लेते हैं उसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सब लगाकर बनाए होते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि तंदूरी आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो इसी के साथ मैंने लिए हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने एक सीटी लगा के पका लिया है। मैरिनेशन मैंने रेडी कर लिया है, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आलूओं को मैरिनेशन में डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं। तो सब आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा मसाला था आलूओं को अच्छी तरह से लग गया है। तो मैं इन आलूओं को कम से कम नहीं तो 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जितना भी मसाला है वो आलूओं के अंदर भी चला जाए। तो अब हम इस तरह की स्टिक जो है ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी, तो मैं इसके ऊपर एक एक करके आलू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, स्टिक पर मैंने सभी आलूओं को लगा लिया है। तो अब मैं इसको पकाने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसको मैंने हल्का गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं तेल डालूंगी, तो 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है और इसको ब्रश की मदद से मैं फैला लूंगी और अब एक एक करके मैं इसमें पोटैटो की जो स्टिक है वो रखती जाऊंगी इसके ऊपर पकने के लिए। तो सभी स्टिक को मैंने अभी तक पलटा नहीं था, तो मैं एक एक करके इनको पलट के देख लेती हूँ। तो ये देखिए पकने शुरू हो गए हैं आलू। तो इनको भी मैं अब 2 से 3 मिनट आस्ता गैस पर दूसरी तरफ से पकने दूंगी। तो दूसरी तरफ से भी मेरे पोटैटो जो हैं पक रहे हैं, तो हल्का हल्का मैं इसके ऊपर तेल डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, एक एक दो दो ड्रॉप तेल डालूंगी मैं इनके ऊपर। तो दूसरी तरफ से भी जो आलू हैं मैं इनको चेक कर लेती हूँ कि हमारे पके के नहीं। तो ये देखिए ये भी पकने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरफ से आपको लगता है कि हमारे आलू भी पके नहीं हैं, इनको घुमा के उसी तरह से आप रखते जाएंगे। और इसी तरह से हम इसको अलग पलट करके चारों तरफ से पका लेंगे। एक साइड हमारी पक गई है, दूसरी भी पक गई है, तब हम इसको इस तरह से रख देंगे पकने के लिए। तो दूसरी तरफ से भी जो आलू हैं मैं इनको चेक कर लेती हूँ कि हमारे पके के नहीं। तो ये देखिए ये भी पकने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरफ से आपको लगता है कि हमारे आलू भी पके नहीं हैं, इनको घुमा के उसी तरह से आप रखते जाएंगे। और इसी तरह से हम इसको अलग पलट करके चारों तरफ से पका लेंगे। एक साइड हमारी पक गई है, दूसरी भी पक गई है, तब हम इसको इस तरह से रख देंगे पकने के लिए। तो इसको भी हम आस्ता गैस पे ही पकाएंगे। तो सभी आलूओं को मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए आलू जो है हमारे पकने शुरू हो गए, अच्छे तरीके से ये पककर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसी तरह से मैं इनको भी 1 से 2 मिनट अभी और पकाऊंगी, तो पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे जब तक। तो हमारे तंदूरी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ पहले। तो ये देखिए अच्छी तरह से सभी आलू मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। हमारे तंदूरी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में ये जितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं। मैंने इसको व्रत के हिसाब से बनाया है, इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च नहीं लगाई है। अगर आप इसको व्रत के हिसाब से नहीं बना रहे तो प्याज और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं और इसको पकाने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसी मसाले के अंदर आप तंदूरी चाप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और पनीर टिक्का भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे बनाए तंदूरी आलू पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।